यार आपके दोस्त सवाल पूछ रहे हैं, कुछ जरा और से सुने कि कैसे पे करना है। कुछ दूसरे सवाल के नया एंट्री बनाऊंगा कि कैसे पे करना है उस टैक्स। नहीं तुम अभी एक मिनट, तुम कह रहे थे सैलानी के बारे में पूछो और टैक्स, ये तुमने दो अलग अलग सवाल किए ना, ये एक ही सवाल का। नहीं मैं आपको दिखा दूं, तुम्हारा सवाल नहीं समझ पाया मैं। नहीं वर्बली बताओ, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, वर्बली तो बताओ। वो टैक्स एग्जेम्पशंस, टैक्स एग्जेम्पशंस ठीक है। उसने पूछा व्हाट इज टैक्स एग्जेम्पशन। हां टैक्स के बारे में उसको बता दिया कि ऐसे करो। अगर वो बोलता है कि कैसे पे करना है, हाउ टू पे लिखोगे ट्रेनिंग फ्रेज में तो पकड़ लेंगे। हाउ टू पे या हाउ टू जो भी टैक्स को पे करना बोलते हैं, फाइल करना बोलते हैं, हाउ डू आई फाइल या हाउ डू आई फाइल माय रिटर्न, ऐसे करके लिखोगे आप ट्रेनिंग फ्रेज में। दैट्स हाँ, हर सवाल का अलग इंटेंट बनेगा। तुम असल में एफ ए क्यू चैटबॉट पूछ रहे हो कैसे बनेगा। एफ ए क्यू ये होता है कि 20-25 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन का एक अपना आंसर है ना, यही पूछ रहे हो ना तुम। इसको हम कहते हैं एफ ए क्यू चैटबॉट। अच्छा एफ ए क्यू चैटबॉट जो है ना, वो अब तो चैट जीपीटी बहुत बेहतरीन तरीके से बनाता है, तो डायलॉग फ्लो में ना अब एफ ए क्यू चैटबॉट बनाना बेवकूफ़ी है, सही है। और प्राइसिंग उसकी कम ही है, इससे ज़्यादा तो नहीं है, कम ही है। जो टेक्स्ट कम्प्लीशन वाला करेंगे या चैट कम्प्लीशन आ गया अभी। हाँ मैं, अच्छा मैं वो बता रहा हूँ कि बिल्कुल तुम लोगों ने बनाना है ये चैटबॉट, ठीक है। ये अच्छा वो इसने मुझे याद दिलाया। अब जब कोर्स आपका कंप्लीट होगा ना, तो एट द एंड आपने क्या करना है कि जो ये डिपार्टमेंट के लोग हैं ना, इनके साथ आपका सेशन होगा, तो जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी आपके सवालात हैं, या जो भी क्या कहते हैं आपने बातें पूछनी है ना, या आपको लगता है कि ये चैटबॉट में ऐड होना चाहिए, या इनसे अलग से मीटिंग भी कर सकते हैं। सेशन ज़रूरी नहीं है कि सब लोगों का एक साथ रखा जाए। किसी एक बंदे ने अगर मीटिंग करनी है तो वो अलग से टाइम ले ले किसी से और सारे क्वेश्चंस पूछ ले, क्या इदारे में काम चल रहा है, क्या क्या कुछ हो रहा है, तो उसमें किस जगह पे चैटबॉट कहाँ पे अपना रोल प्ले कर सकता है वो अपने आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वेबसाइट तो अपडेट होती नहीं है ना, वो तो बहुत पुरानी बनी हुई है। यस तो 21 तक ही है, वहाँ 21 तक ही, उससे आगे नहीं है। तो अच्छा जो एफ ए क्यू चैटबॉट है ना, वो डायलॉग फ्लो में बनता है ऐसे कि हर क्वेश्चन का एक अलग इंटेंट होगा, ठीक है। हर क्वेश्चन का एक अलग इंटेंट होगा और उसके अंदर ट्रेनिंग फ्रेज होंगे कि वो क्वेश्चन बंदा किस किस मुख्तलिफ अंदाज से पूछ सकता है, और उसके अकॉर्डिंगली उसका आप अलग अलग रिस्पॉन्स भी डिफाइन किया हुआ होगा आपने। एंटिटीज समझ में नहीं आई है अभी तक। यार ये पिज़्ज़ा वाली एग्जाम्पल इतनी परफेक्ट है कि इसमें आ जानी चाहिए समझ। एंटिटी का नाम मैटर नहीं करता। आ जाता हूँ ना इधर, मैं एंटिटीज में आ जाता हूँ। ये मैं एंटिटीज में आ गया और दो मेरे पास एंटिटीज़ हैं, पिज़्ज़ा फ्लेवर, पिज़्ज़ा साइज़। तो मैं पिज़्ज़ा साइज़ में चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे तीन मैंने बनाया हुआ लार्ज। अच्छा ये इसका ऑर्डर मैटर नहीं करता, मैं शुरू में स्मॉल लिख दूँ या शुरू में लार्ज लिख दूँ, इट डजेंट मैटर। ये इसका जो ऑर्डर है ना, इट डजेंट मैटर। वो मिलता है ये वाला सर्वर पे, ये मिलेगा हमेशा, ये नहीं मिलेगा। हाँ ये जो सिनोनियम है ना, इनमें से कुछ अगर बंदे ने बोला ना 16 इंच, तो सर्वर पे 16 इंच नहीं मिलता, सर्वर पे लार्ज ही मिलेगा। हाँ और ये लार्ज जो है ना आपका, ये ज़रूरी नहीं है लार्ज आप ऐसे लिखें, इसकी जगह आप 1 2 3 ऐसे भी लिख सकते हैं, तो आपको ये मिलेगा। जी ये रेफरेंस वैल्यू है, जी हाँ ठीक है। लेकिन अगर बंदे ने ये 1 2 3 2 बोला ना, तो उसको नहीं पकड़ेगा वो बोलना यूज़र को इसमें से पड़ेगा, यहाँ पे लार्ज एक लिखना पड़ेगा आपको, जब ही लार्ज पे पकड़ेगा वो, अदरवाइज तो वो नहीं पकड़ेगा। ये जो रेफरेंस वैल्यू ये हमारे लिए था कि हम उसको कंडीशन। हाँ ये मैं कहूँगा साइज़ 1 और यहाँ पे मैं कहूँगा साइज़ 2 और यहाँ पे मैं कह दूँगा साइज़ 3, तो अब मुझे 1 2 3 मिलेगा सर्वर पे। बंदा बोलेगा स्मॉल या स्मॉलर या 6 इंच, तो मुझे मिलेगा नंबर 3 सर्वर के ऊपर। हाँ ठीक है। चारों से तो मेरा जैसे सिलानी का चेयरमैन का नाम पूछ रहा है। हाँ तो कुछ लोग बोलते हैं कोई ओनर,
तो ट्रेनिंग फ्रेज में ना तुम दोनों बात लिखोगे, इसके लिए एंटिटी नहीं बनेगी, इसके लिए एंटिटी नहीं बनेगी, इस ये ट्रेनिंग फ्रेज में दोनों बातें लिखी जाएंगी। ये मैंने लिख दिया, अब मैं चाह रहा हूं जिसने मेरे से पूछा है कि ओनर नेम, हां तो उसको टैक्स रिस्पांस में भी ओनर ही बताऊं। सही है, या गुम ले गया। और किसने पूछा चेयरमैन, तो उसकी जगह चेयरमैन लिखा हुआ है। अच्छा एक तो बात ये है, पहली बात कि ओनर और चेयरमैन ना ये दो अलग अलग चीज़ें होते हैं, ठीक है। एनजीओ में कभी ऑनर नहीं होता, ठीक है, एनजीओ का कोई ऑनर नहीं होता। एनजीओ का जो है वो चेयरपर्सन होता है या चेयरमैन कह लो उसको, ठीक है। आमतौर पे जो दूसरी कंपनीज हैं उसमें जो ऑनर होता है वो होता है कि जिसका पैसा डला हुआ है कंपनी में, ठीक है। और जो चेयरपर्सन होता है या सीईओ जिसको हम कहते हैं, वो होता है जो कंपनी के कारकर्दगी का जवाबदेह है। मिसाल के तौर पर अगर उस कंपनी, जैसे बाइकिया करके कंपनी है, अब उस बाइकिया कंपनी में अगर कोई बड़ा इंसिडेंट हो जाता है या उसकी वजह से कोई हादसा हो जाता है, तो जवाबदेह जो होगा ना वो सीईओ होगा, चेयरपर्सन होगा। लेकिन चेयरपर्सन ज़रूरी नहीं है कि चेयरपर्सन कंपनी का मालिक हो, चेयरपर्सन को हायर किया जाता है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन उसकी एक्सपीरियंस कि अच्छा भाई 18 साल से पीआईए में डायरेक्टर हैं ये, तो इसको हम अपनी कंपनी में सीईओ हायर कर लेते हैं, ठीक है, या चेयरमैन हायर कर लेते हैं। अच्छा चेयरमैन हायर करने का मतलब ये भी नहीं है कि वो हर वक्त कंपनी में मौजूद होगा, वो हफ्ते में एक दिन भी आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि उसका क्या रोल है, कितना ज़्यादा उसको टाइम देना पड़ रहा है। तो चेयरपर्सन और ऑनर ना दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो इन दोनों का मोस्ट प्रोबेबली अलग इंटेंट भी बन सकता है, ठीक है। तो इस इंटेंट के अंदर ना आपको एक ट्रेनिंग फ्रेज देना पड़ेगा, सिर्फ ऑनर और सिर्फ चेयरपर्सन, ये दो अलग अलग ट्रेनिंग फ्रेज होंगे, ये दो अलग अलग इंटेंट के अंदर, ठीक है। अच्छा बाकी आप ट्रेनिंग फ्रेज जो देना चाहें वो आप दे सकते हैं। अच्छा आपने सैलानी का जिक्र नहीं करना लेकिन ट्रेनिंग फ्रेज में, ये एक बात है। अच्छा उसका रीज़न क्या है समझा देता हूँ मैं। अभी एक दोस्त और भी मेरे पास कौन आया पाए थे, तो इन्होंने एक अपने कोचिंग सेंटर के लिए एक चैटबॉट बनाया हुआ था, तो उसमें कोचिंग सेंटर के बारे में बहुत सारी बातें थी, तो हर ट्रेनिंग फ्रेज में ना उस कोचिंग का नाम था। अब उससे होता ये कि वो कोचिंग, क्योंकि लास्ट हमने जो जिक्र किया था कि डायलॉग फ्लो आपकी बात को समझता कैसे है, टोकन बना देता है उसका, अब वो टोकन का वेट काउंट करता है, अब उस टोकन के वेट में जो है ना वो कॉलेज का नाम, कॉलेजेट का नाम जो है वो सब में आ रहा है, कोचिंग का जो नाम है। अब आपने जब कोचिंग का नाम पकड़ा ना तो वो सारे इंटेंट में जब कंपेयर मारेगा तो वो किसी को भी उठा के ले आएगा, सही है। तो इस वजह से जब आप एफएक्यू चैटबॉट बना रहे होगे ना सैलानी के बारे में, तो उसमें सैलानी का नाम नहीं होगा ट्रेनिंग फ्रेज के अंदर। मिसाल के तौर पर आप ये लिखोगे कि हु इज़ द सीईओ या हु इज़ द ऑनर या टेल मी अबाउट योर फंडिंग्स, ये होगा। टेल मी अबाउट सैलानी फंडिंग नहीं होगा, सैलानी का नाम आपने डाला ना अगर ट्रेनिंग फ्रेज में, तो फिर क्या होगा, क्योंकि डायलॉग फ्लो के इंटेंट में ना ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके जो डिफरेंट इंटेंट्स हैं उनका जो ट्रेनिंग फ्रेज है, ये डिफरेंट इंटेंट आपस में कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकता इनमें, ठीक है। एक ही ट्रेनिंग फ्रेज अगर आपने दो इंटेंट में डाल दिया, ठीक है ना, एक ही ट्रेनिंग फ्रेज अगर आपने, या मिलता जुलता ट्रेनिंग फ्रेज आपने, ठीक है, असल में तो पूरे फ्रेज की बात नहीं, वर्ड्स की बात है, ठीक है। हम ट्रेनिंग फ्रेज के अंदर ना इन चीज़ों का भी, इन चीज़ों को भी अवॉइड करते हैं कि जैसे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं ना, जो जैसे विथ होता है, दा होता है, इस तरह की चीज़ों को भी हम अवॉइड करते हैं कि अगर विथ या दा या इस तरह की चीज़ लग रही है ना अगर ट्रेनिंग फ्रेज में, तो जाहिर है वो तो कई इंटेंट्स हैं, फिर किसी और में भी दा लगा हुआ है, तो वो दा वगैरह का या ए का इस्तेमाल नहीं करते हम, इसको हम रिमूव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ताकि हमारा इंटेंट के जो ट्रेनिंग फ्रेजेज हैं वो यूनिक रहें। आपके जैसे 10 इंटेंट है आपके पास, उन 10 इंटेंट के जो ट्रेनिंग फ्रेजेज हैं, यानी पहला इंटेंट का जो ट्रेनिंग फ्रेज है वो दूसरे वाले से जितना ज़्यादा यूनिक होगा ना आपका चैटबॉट उतना अच्छा चलेगा, तो ये वाली बात है। सॉरी कहाँ है नॉरिंग वाला नॉलेज? यार ये तो नॉलेज बेस है, ये नॉलेज बेस जो है वो बीटा में है, उसके लिए मुझे बीटा इनेबल करना पड़ेगा पहले जाके सेटिंग में, ठीक है, सेटिंग में जाके मुझे बीटा यहाँ से इनेबल करना होगा, ये रहा, उसके बाद वो फीचर चलेगा, ठीक है। उसमें ये होता है कि आप एक पूरा आर्टिकल डाल देते हैं, उस आर्टिकल से आप इंटेंट्स क्रिएट कर देता है वो खुद ही, लेकिन कुछ इतना ढंग का है नहीं ये फीचर, ठीक है, मैं पर्सनली इसको यूज़ नहीं करता, इतना कोई ढंग का फीचर नहीं है। वेल अभी हमारे पास जो आ गया ना चैट जीपीटी का मंजन नया वाला, उसमें ये काम बहुत इजीली कर सकते हैं आप कि सैलानी के बारे में ना, जैसे आप एफएक्यू चैटबॉट बना रहे हैं आपने, तो आप क्या करेंगे
टैक्स कंप्लीशन वाला वो यूज़ करेंगे, वो तो आप सब लोगों ने देखा है यूज़ करते हुए। हमाद भाई ने उस दिन बताया था, मैंने जो डिप्रेशन काउंसलर है उसका कोड भी आप लोगों को दिखाया था, तो वो आपको आइडिया है कि चैट जीपीटी का मेनली वो एपीआई कॉल कैसे होती है। ठीक है, अगर किसी को नहीं आइडिया तो वो हमाद भाई वाला सेशन जो है वो देख ले दोबारा, जो रिकॉर्डेड भी है वो। तो उसमें आप क्या करेंगे, अभी जो नया वाला उसका आया ना वर्जन 4, उसमें क्या है कि आप जो मैसेज भेज रहे हैं उसको, वो 32,000 कैरेक्टर्स उसमें हो सकते हैं एक मैसेज जो आप भेजोगे उसको सामने से। ठीक है, तो वो आप भेजोगे एक मैसेज, उसमें आपने क्या करना है, वो सैलानी के बारे में ना जो जो सवालात हैं उन सवालात का जवाब देते हुए ना एक आर्टिकल लिखोगे आप, पूरा एक आर्टिकल जिसमें वो सारी डिटेल मौजूद होगी कि यार सैलानी के CEO फला फला है, इस सन में वो बने थे, सैलानी से इस सन में तैयार हुआ, उसके इतनी फंडिंग मिलती है वहाँ वहाँ से आती है, सैलानी किन किन शोबों में काम करता है उनकी लिस्ट। ठीक है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, जस्ट रिटन डेटा होना चाहिए वो। ठीक है, किसी भी फॉर्मेट में, चाहे वो एक्सेल की शीट में हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, प्लेन टेक्स्ट हो, चाहे वो आर्टिकल की सूरत में हो, सबको समझ लेता है वो, क्योंकि वो देखता है जस्ट वर्ड्स को। वो सारे बुलेट पॉइंट, सारी टेबल हटाएगा, वर्ड को करेगा यूँ सीधा, सारे वर्ड को टोकन बना के यूँ सीधा करेगा और उसको फिर यूँ मिक्स मारेगा, ऐसे हाथ से ऐसे यूँ नहीं मिक्स मारते दाल को ऐसे यूँ मिक्स मारेगा उसको, उसके बाद यूँ करके उसका ना जुमला बनाएगा नया, और जितने पॉसिबल जुमले होंगे वो इस तरह, एक टिपिकल एक इंटरनल उसका तरीका है करने का चैट जीपीटी का, और डायलॉग फ्लो भी मोस्टली वही कर रहा होता है, लेकिन चैट जीपीटी का थोड़ा सा तरीका एडवांस है, वो ये पहले नहीं पता था लोगों को। तो वो देखता है वर्ड्स को जस्ट वो। अच्छा, तो आपने वो बोलना है कि प्रिटेंड यू आर फ्रंट डेस्क एट सैलानी, उसके बाद आपने वो पूरा मजमून भी साथ में दे देना है उसको कि क्या कहते हैं, हेयर आर सम नॉलेज अबाउट सैलानी या जो भी, या प्लीज़ रिमेंबर दीज फैक्ट्स एंड फिगर्स। नहीं, लिंक नहीं भेज सकते आप, टेक्स्ट डेटा भेज रहे हैं, लिंक नहीं भेज सकते। जितने भी आर्टिकल है ना, चाहे वो 1000 वर्ड का आर्टिकल हो, 2000 वर्ड का हो, वो पूरा आर्टिकल आपने भेजना है। और अभी वाला जो उनकी नई लिमिट है जो, वो 32,000 कैरेक्टर्स है, 32K जो है उनका मैक्सिमम अभी जो है। तो इतना बड़ा तो नहीं आर्टिकल भेजते आमतौर पे, है ना। मैंने तो जो डिप्रेशन काउंसलर जो बनाया था, आप लोगों से शेयर भी किया था, उसमें तो यार 5 लाइन की बात मैंने लिखी थी, वो सब कुछ समझ रहा था। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, आप शुरू में ना वो पूरा आर्टिकल लिखेंगे और साथ में लिख देंगे कि भाई प्रेटेंट यू आर सैलानी चेयर, सैलानी का जो आप फ्रंट डेस्क हो, आपसे जो भी पूछा जाए आप बताओ। अब बस आप उससे पूछें कि हु इज़ बशीर फारूकी, ठक करके बताएगा वो। सही है, तो बस वो हर रिक्वेस्ट में वो आपने भेजना है। तो FAQ चैटबॉट उससे अच्छा बन ही नहीं सकता किसी और में, क्योंकि एक आर्टिकल में से कई हज़ार क्वेश्चन बन सकते हैं। वो आप डायलॉग फ्लो में इतने क्वेश्चन बनाएंगे, फिर उसका यूनिक रखने के चक्कर में ना ट्रेनिंग फ्रेज, वो बंदा बहुत टाइम लग जाता है उसमें, वो मसला है बहुत बड़ा। ठीक है, इसी तरीके से जैसे रेस्टोरेंट का जो चैटबॉट है, क्योंकि FAQ चैटबॉट में सिर्फ ये नहीं होता ना कि भाई सिर्फ बंदों के बारे में पूछ रहे हैं या किस सन में बना वो पूछ रहे हैं। जैसे अब होटल का कोई है अगर रेस्टोरेंट का, तो वो तो पैसे पूछेगा कि यार कौन कौन से डिशेज़ हैं आपके पास, उसके पैसे बताओ। तो वो भी आपने क्या करना है कि रेस्टोरेंट के बारे में 4-5 लाइन का जो टेक्स्ट, कि क्या रेस्टोरेंट करता है, कहाँ पे सिचुएटेड है, क्या एड्रेस है, क्या फ़ोन नंबर है, वो सारी बातें शुरू में। उसके बाद रेस्टोरेंट का पूरा मेन्यू टेबल की फॉर्म में या किसी भी प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में पूरा मेन्यू उसका। तो और आप बोलें कि भाई यू आर अ वेटर इन दिस रेस्टोरेंट, और वो फिर जब आप उससे पूछेंगे ना कि व्हाट डू यू हैव इन मेन्यू, वो पूरा मेन्यू आपको बताएगा। फिर जो स्पेशलिटी आप पूछेंगे उससे, तो मेन्यू में मेंशन अगर है कि ये हमारा स्पेशल है, तो वो बताएगा कि ये स्पेशल है। ठीक है, तो ये चैट जीपीटी में बड़े अच्छे से ये काम हो सकते हैं, जो FAQ वाले जो काम है। ठीक है, बाकी एंटिटी एक्सट्रैक्शन वगैरह और ये जो सारी चीज़ें ना, कि बाकायदा इनपुट ले और उसके अगेंस्ट आउटपुट, जैसे पिज़्ज़ा और ड्रिंक वाली जो चीज़ है, इसमें शायद डायलॉग फ्लो अभी भी बेहतर है। वेल, जो सच बात यह है कि मैंने वो एंटिटी एक्सट्रैक्शन वाला ना चैट जीपीटी का चला के नहीं देखा, डॉक्यूमेंट्स मैंने पढ़े हैं उसके, लेकिन मैंने एक्चुअल में चला के नहीं देखा कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। इसकी परफॉर्मेंस पर तो आई एम 100% कॉन्फिडेंट डायलॉग फ्लो की, कि भाई इस पर मैंने अगर एक इंटेंट बना दिया, वो पिज़्ज़ा का फ्लेवर, साइज़ और मुझसे पूछता है, तो वो परफेक्टली काम करता है। लेकिन उस वाले का क्योंकि मैंने चला के नहीं देखा, तो मेरे ख्याल में अभी तक डायलॉग फ्लो बेहतर है, बट वो चलाने के बाद फिर राय दे पाऊँगा मैं उसके बारे में सही हुई। काम तो वो भी सारे कर रहे हैं जो इसमें होते हैं, लेकिन उसमें वेबहुक नहीं है। इसमें तो हमारे पास डेटाबेस होता है ना, डेटाबेस वेबहुक में हम डेटाबेस से अभी का डेटा उठा के लाते हैं, उसमें वो ये नहीं देते। वो कहते हैं यार जो भी डेटा है ना, डेटाबेस पूरा उठा के ना
डेटाबेस तो जैसा ना, वो कहता है पूरा डेटाबेस उठा के उसको आप कॉन्टेक्स्ट में पास कर दो और फिर बात करो, समझ रहे हो। मिसाल के तौर पे जितने आज के दिन जब मैं चैट जीपीटी पे अगर ये वाला चैटबॉट बनाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, जो कि अच्छी प्रैक्टिस नहीं है मेरे हिसाब से ये, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप ये करें कि डेटाबेस से पूरा डेटा उठा लें, आज के दिन जितने ऑर्डर लगे हैं वो उठा लें, अच्छा जितनी प्रोफाइल्स हैं बंद होगी वो उठा लें, और जो जो मेन्यू में है डेटाबेस में वो सब उठा लें अभी वाला, और उठा के ना पूरा जेसन उसको कॉन्टेक्स्ट में दे दें उठा के, वो समझ जाएगा खुद ही कि ये ऑर्डर है ये ये और ये होगा। तो अब उस बंदा पूछेगा ना कि भाई वेयर इज़ माई ऑर्डर, तो अब उससे आप सामने से पलट के पूछ सकते हैं कि यार अपना ऑर्डर नंबर तो बताओ। बंदा अपना ऑर्डर नंबर बताएगा ना, वो उस जेसन में से ढूंढ के बता देगा कि तुम्हारा ऑर्डर नंबर जो है ना अभी पेंडिंग में है या अभी रेडी है या जो भी डिलीवर्ड है बता देगा देख के वो, ठीक है। लेकिन मसला ये है ना इसके अंदर के वो डेटाबेस पूरा पूरा मुझे उठा के देना पड़ेगा। अच्छा मिसाल के तौर पर 5 मिनट बाद बंदे ने दोबारा पूछा, अब तो हो सकता है ना डेटाबेस चेंज हो गया हो, तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं फिर दोबारा पूरा डेटाबेस उठाऊँगा इसी तरह और दोबारा जेसन में इसको दूंगा। वैसे तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, किया जा सकता है, ये नॉट अ बिग डील, क्योंकि MongoDB जो फास्ट डेटाबेस है तो फास्ट इतना फास्ट है कि आज के दिन में अगर 5,000 भी ऑर्डर लगे ना तो मैं उसको उठा के भेज दूंगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो जाहिर है जब इतनी दफ़ा मैं भेजूंगा ना उसको डेटा तो वो टोकन भी खाएगा, टोकन तो खाएगा वो, तो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ जाता है इस तरह के चैटबॉट। FAQ में तो मज़े ही मज़े। अच्छा FAQ में एक और भी फ़ायदा है, एक और फ़ायदा पता है क्या है, जो हम हर दफ़ा ये भेजते हैं ना बना के कि पूरा मजमून लिखा नीचे क्वेश्चन लिखा और फिर भेजा, तो वो हर क्वेश्चन पे जा रहा होगा वो पूरा मजमून। अब वो पूरा मजमून इमेजिन करेंगे 2000 कैरेक्टर का, 2000 टोकन्स का, ठीक है। कैरेक्टर तो नहीं मानते, ये कैरेक्टर को बोलते हैं टोकन है, ये 32K टोकन की बात हो रही है, कैरेक्टर की बात नहीं हो रही। तो कैरेक्टर समटाइम एक टोकन का होता है, समटाइम एक से ज़्यादा टोकन का भी होता है, 1.5 टोकन का होता है कैरेक्टर। तो वो अगर 2000 कैरेक्टर है तो मोस्ट प्रोबेबली वो 2500 टोकन होंगे, पर वो 2000 टोकन नहीं होंगे। अब वो 2500 टोकन हर पे जा रहा है, तो इन्होंने बोला कि आप क्या करो, आप ना वो पूरा जो मजमून है वो हमें दो उठा के एक ही दफ़ा CLI से, उसको ये कहते हैं फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग में दो आप CLI टूल है इनका, जैसे Firebase टूल है ना CLI का टूल है, जैसे Git का CLI टूल है, Git क्लोन करके होता है, ऐसे उनका CLI टूल है। वो कहते हैं कि भाई OpenAI ट्रेन और डेटा और इक्वल्स टू करके वो पूरी फाइल आपने उठा के दे देनी है, टेक्स्ट फाइल बना के या जेसन की फाइल बना के आप वो मजमून पूरा ना उस फाइल उसकी आप दे दें उठा के। अब वो क्या करेगा, उस फाइल को लेके जाएगा, जाके अपने सर्वर पे ना उसकी ट्रेनिंग रन करेगा और आपको देगा उसकी ID, उस फाइल की आपको ID दे देगा। अब आपके पास बेनिफिट क्या है कि अब जब आप रिक्वेस्ट भेजेंगे ना तो पूरा मजमून भेजने के बजाय आप क्या करेंगे, आप कहेंगे फाइन ट्यूनिंग की ID है ये वाली और इसके कॉन्टेक्स्ट में आप क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो आपका टोकन बहुत बचा देता है ये, ठीक है। लेकिन ये काम वो रेस्टोरेंट वाले में नहीं हो सकता, रेस्टोरेंट वाले में इसलिए नहीं हो सकता कि फिर मैं सुबह के वक्त एक मैंने फ़ाइन ट्यूनिंग का मॉडल ट्रेन किया उसकी मुझे ID मिल गई, अब मैं पूरा दिन उसको यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि डेटाबेस में तो कंटिन्यूसली चेंज आ रहा है, किसी ने मोबाइल ऐप से ऑर्डर मार दिया वो चेंज आ रहा है, तो मैं स्टेटस जब मांगूंगा ना तो आज के दिन जो ऑर्डर लगा वो उसमें है ही नहीं ट्रेनिंग डेटा में उसके, तो मुझे क्या बार बार ट्रेन करूँगा मैं, बार बार ट्रेन करने से कहानी उल्टी हो जाएगी, टोकन और ज़्यादा खर्च होंगे क्योंकि ट्रेनिंग के भी टोकन चार्ज कर रहा है वो थोड़े बहुत, ठीक है। तो वेबहुक नहीं होने की वजह से ना उसमें बहुत एक मसला है अभी फिलहाल के लिए। अच्छा फिर इसी तरह ऑर्डर क्रिएट करने वाला जो काम है वो नहीं हो सकता इसमें, ठीक है। लेकिन जुगाड़ से कर रहे हैं लोग, मिसाल के तौर पर मैंने इसका ये जुगाड़ निकाला है कि जब बंदा बोलता है ना कि भाई ये चीज़ें मुझे चाहिए, तो मैं उसको ना नीचे नोट लिख के देता हूँ कि मुझे ना जवाब आपने देना है जेसन फॉर्मेट में। तो जब चैट GPT को बंदा बोलता है प्लेस ऑर्डर, वो सामने से बोलता है कि यार मुझे पिज़्ज़ा का नाम बताओ, पिज़्ज़ा का फ्लेवर बताओ, पिज़्ज़ा का वो सब जब कंप्लीट होता है ना तो मैं उसको कहता हूँ कि उसका जवाब आपने मुझे देना है जेसन में, और जेसन का मैं एक फॉर्मेट बताता हूँ उसको, लिख के राइटिंग में बताता हूँ उसको मैं कि भाई जेसन का जो फॉर्मेट है ना उसमें ये होता है ना नेम बंदे का नाम, उसके बाद फ्लेवर, सामने फ्लेवर। अब फ्लेवर में वो टपल उसको बना के देते हैं, टपल एक चीज़ होती है प्रोग्रामिंग में, उसको टपल बना के देना पड़ता है मुझे कि भाई इन्हीं में से होना चाहिए, वरना तो फ्लेवर अपनी मर्जी का कुछ भी रख देगा वो। मैं कहता हूँ नहीं, ये 6 में से ही एक होना चाहिए, कोई और नहीं, या एरे बना दो या टपल बना दो, जो भी एक ही बात है। टपल गोल ब्रैकेट से बनता है, एरे चकोर ब्रैकेट से बनता है, एक फ़र्क है इतना सा। तो वो उसको बना के दे दिया, फिर पिज़्ज़ा का साइज़ बता दिया उसको, पिज़्ज़ा के साइज़ में भी टपल दे दिया कि भाई इसमें से होना चाहिए।
तो वो पूरा जेसन जो है ना, फिर मुझे वो जेसन देता है, उस जेसन को फिर मैं डेटाबेस में पास करता हूँ, और यूज़र को फिर जवाब मैं खुद से फैब्रिकेट करके देता हूँ कि भाई योर ऑर्डर इज़ प्लेस्ड। चैट जीपीटी वाला जवाब मैं यूज़र को नहीं देता। अब उस, हाँ बोलो, वो जेसन जब मुझे मिलता है ना, यानी जब भी जब चैट जीपीटी से बंदा बात करता है और रिस्पॉन्स आता है, तो हर रिस्पॉन्स आते हुए को मैं बीच में चेक करता हूँ कि कहीं ये जेसन तो नहीं है। अगर वो जेसन होता है तो मैं वहीं रोक लेता हूँ उसको, और वहीं रोक के उसको डेटाबेस में फेंकता हूँ, यूज़र को अलग से जवाब देता हूँ। अगर वो नॉर्मल टेक्स्ट है तो उसको जाने देता हूँ, फिर यूज़र डायरेक्ट बात कर रहा होता है। तो इंटरसेप्टर बीच में एक सेटअप किया हुआ है, करना पड़ा है। ठीक है, ये वो सारे एक्सपेरिमेंट हैं जो अभी तक मैं कर चुका हूँ, वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। स्टिल अगर इसमें वेब हुक होता ना जैसे डायलॉग फ्लो में, तो काफ़ी सही रहता, बट इनका पॉइंट कुछ और है। ये वो काम करना नहीं चाह रहे जो डायलॉग फ्लो करना चाह रहे हैं। ये बात वैसे मैंने अभी की नहीं है किसी से, लेकिन मैं आपसे अभी बात निकल आई है तो मैं जिक्र कर रहा हूँ। ये इनका ना टारगेट बिल्कुल मुख्तलिफ है। अभी लोग जैसे सोच रहे हैं ना कि डेवलपर की जॉब चली जाएगी और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, असल में अगर आप गौर से सोचें ना, तो ये मोबाइल फ़ोन को ख़त्म करने वाली टेक्नोलॉजी है। ये मोबाइल फ़ोन ख़त्म हो जाएंगे हमारे, समझ रहे हो बात? पता नहीं क्या होगा ये, मुझे नहीं पता क्या होगा उसकी जगह, लेकिन आई एम 100% श्योर कि ये मोबाइल डिवाइसेस ख़त्म कर देगा ये। हाँ अच्छा, तो अब देखो होता क्या है, चक्कर क्या है। पहली बात कि मोबाइल की जो टेक्नोलॉजी है ना, मोबाइल फ़ोन की जो टेक्नोलॉजी है, उसको हो गया 20-22 साल। अच्छा, 20-22 सालों में कुछ ज़्यादा फ़र्क इसमें आया नहीं है मोबाइल की टेक्नोलॉजी में। नहीं, टेक्नोलॉजी वाइज तो जिद्दत आई है कि भाई वो पहले ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन हुआ करती थी, बटन हुआ करते थे, अब वो टच स्क्रीन पे आ गया थोड़ा, उसमें इंटरनेट की कनेक्टिविटी वगैरह आ गई है। लेकिन मोबाइल फ़ोन में जब ये पहली दफ़ा आया था, जब नोकिया के फ़ोन चलते थे काली पीली स्क्रीन वाले, तो उस वक्त भी उसमें जो कनेक्टिविटी होती थी, उस वक्त की जदीद कनेक्टिविटी सपोर्ट करता था वो। नोकिया 3310 वाज़ा स्मार्टफोन, अपने दौर का स्मार्टफोन था वो, क्योंकि उसमें पिक्चर मैसेजेस होते थे, कैमरा नहीं था बट पिक्चर मैसेजेस होते थे उसके अंदर। तो क्या कहते हैं, उसमें उस वक्त का जो भी GSM था जदीद, जो सबसे वो GSM कनेक्ट होता था उसके अंदर, फ़ोन होता था उससे, उसमें इवन दो के वॉइस रिकॉर्डिंग भी होती थी। नोकिया 3310 में वॉइस रिकॉर्डर भी एक हुआ करता था, तो बहुत 10 सेकंड की लिमिट होती थी शायद, कि 10 सेकंड से ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करता। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें ना, कि यार स्क्रीन बड़ी हो गई, बटन की जगह टच स्क्रीन आ गया, ये तो चीज़ें हो रही हैं। कनेक्टिविटी जो है, 3G आ गया, 4G आ गया, 5G की बात हो रही है, ये चीज़ें हो गई हैं। अच्छा, कैमरा जो है वो थोड़ा एडवांस हो गया। कैमरा वैसे मोबाइल फ़ोन का पार्ट नहीं था इनिशियली, बाद में उसमें ऐड ऑन के तौर पे देना शुरू किया, लेकिन अभी आप नोट करें कि मेनली कैमरे पे बिकते हैं फ़ोन। तो एक्चुअल में अभी आहिस्ता आहिस्ता वो फ़ोन तो हो गए ख़त्म, फ़ोन का एक्चुअल पर्पस तो वो भूल ही गए शायद लोग, कॉल करना है ना। अभी फ़ोन बिकते हैं कैमरे के ऊपर, कि यार मेरा कैमरा अच्छा, तुम्हारा कैमरा अच्छा, लोग कैमरे की लड़ाई कर रहे हैं। एक तो ये चीज़ है जो सेलिंग पॉइंट है इनका, जो सेल क्या उसको बोलते हैं, सेलिंग पॉइंट ही बोलते हैं। दूसरा पॉइंट इनका सेलिंग पॉइंट ये है कि इसमें ऐप्स होती हैं, मोबाइल के अंदर ऐप्स होती हैं ना, तो ये दो चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये चल रहा है। अच्छा, क्योंकि जब ये अभी चैट GPT पे ऐप्स जो बनना शुरू होंगी ना, अब आप लोगों ने शायद कॉलेज वगैरह के ज़माने में सुना हो कि 4th जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ख्वाब देख रहे थे साइंटिस्ट 70s में, उन्होंने ये ख्वाब देखा था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है ना 4th जनरेशन हो। उस वक्त 3rd जनरेशन भी आई नहीं थी बाई द वे। हम जो पढ़ रहे हैं ना इस वक्त प्रोग्रामिंग, जावास्क्रिप्ट जो हमने पढ़ी है, ये दिस इज़ अ 3rd जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो 3rd जनरेशन भी उस वक्त आई नहीं थी जब इन्होंने ये ख्वाब देखा था ना 4th जनरेशन का। अच्छा, तो वो अभी मैं लिखूंगा ना 4th जनरेशन। ये इन्होंने एक चार्ट बना के दिखाया है कि ये जो 1st जनरेशन था ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, वो यूज़र अंडरस्टैंडेबिलिटी से बहुत दूर था, वो कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल था, यानी कि बाइनरी वाइनरी या असेंबली की शायद ये बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर 2nd जनरेशन उससे थोड़ा बेहतर हुआ होगा मे बी। 3rd जनरेशन में ये सारा कुछ लाया करता है जो क्या कहते हैं जावास्क्रिप्ट और सी लैंग्वेज, ये सारी 3rd जनरेशन कहलाती है। अच्छा,
अच्छा फोर्थ जनरेशन में ये कहते हैं मैट लैब जो है ना उसको कहते हैं कि फोर्थ जनरेशन है, लेकिन सब लोग उस पर मुत्तफिक नहीं है। कुछ लोग कहते हैं नहीं वो 3.5 है, फोर्थ नहीं है, ठीक है, क्योंकि फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में क्या होगा, अभी इसमें फिफ्थ जनरेशन भी लिखा हुआ है चार्ट में, अब मुझे ये नहीं पता कि फिफ्थ जनरेशन किसको कह रहे हैं ये। तो फोर्थ जनरेशन में ना वो कहते हैं कि बंदा बोल के बात करेगा, है ना। द फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 4G इज अ कंप्यूटिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिलोंग टू अ क्लास लैंग्वेज एडवर्टाइज एज एडवांसमेंट अपॉन थर्ड जनरेशन लैंग्वेज ईच ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू प्रोवाइड हाइबर लेवल ऑफ दिस दिस दिस। इसमें वो वाली बात खैर इसने मैंशन नहीं की है प्रॉपरली, लेकिन इनका पॉइंट ये था कि बिल्कुल ह्यूमन लैंग्वेज में ना लिखा हुआ होगा जो कोड होगा ना वो बिल्कुल ह्यूमन लैंग्वेज में लिखा हुआ होगा। खैर वापस आ जाते हैं हम इधर, इसमें जैसे हम करते हैं ना मतलब जावास्क्रिप्ट भी ऑलमोस्ट ह्यूमन लैंग्वेज से करीब करीब है कि भाई इफ़ ऐसा हो तो देन ये कर दो, तो इफ़ देन इसी वजह से इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कि ये ह्यूमन लैंग्वेज से करीब हो गए। जो फॉर का जो लूप है वो फॉर का यही होता है कि इसके लिए आपने घूमना है, इस एरे के लिए आपने घूमना है, तो एरे में जितने आइटम उतनी बार वो घूमता है, ठीक है ना। फॉर है या मैपिंग है जो ये इसके नाम आपने नोट किया, जैसे कॉन्सोल डॉट लॉग है तो कॉन्सोल एक चीज़ को कहते हैं तो उसके ऊपर लॉग आएगा, कॉन्सोल के अंदर लॉग आएगा, तो मिलता जुलता ऐसे नाम रखते हैं कि ह्यूमन लैंग्वेज से करीब करीब हो, ठीक है। बट हम इफ़ वाली जो बात है ना वो हम जावास्क्रिप्ट में ऐसे नहीं लिख सकते कि इफ़, मतलब पढ़ने में तो वो ऐसे ही आ रहा है कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 5 देन डू दिस, पढ़ने में तो यही आ रहा है, लेकिन एग्जैक्टली ऐसे नहीं लिख सकते अंग्रेज़ी के ज़ुबान में, ऐसे नहीं लिख सकते कि इफ़ फला फला कंडीशन तो ये कर दो, ये नहीं लिख सकते, वो ब्रैकेट्स लगानी पड़ती हैं इसमें और ब्रैकेट को मैच करना पड़ता है, जो कि कंप्यूटर वाली चीज़ है, ह्यूमन वाली चीज़ तो नहीं है वो। ह्यूमन वाली चीज़ तो ये है कि जस्ट सीधा सीधा जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ ऐसे बोल दूँगा। तो ये था फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसका इन्होंने ख्वाब देखा था उस ज़माने से। अब फिफ्थ को भी आप एक्सप्लोर कीजिएगा, फिफ्थ पता नहीं क्या है, वो मैंने अभी तक नहीं देखा, मुझे भी अभी नज़र आया कि फिफ्थ भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसके पीछे ना ये बहुत अरसे से लगे हुए थे कि यार कुछ ना कुछ कर लें, कुछ ना कुछ करके इसको बना लें ऐसे। तो चैट जीपीटी काइंड ऑफ उसकी भी एक ताबीर है, लेकिन चैट जीपीटी इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्यों? वो इसलिए नहीं है कि डेटाबेस को मैनेज नहीं कर सकते आप इससे, सर्वर नहीं लिख सकते आप इसमें, ठीक है। लेकिन अगर आप और से सोचें ना तो जो कर दिया ना इसने उसके बाद शायद सर्वर की ज़रूरत भी नहीं है, है ना। सर्वर की ज़रूरत तो इसलिए होती है कि चीज़ें स्टोर होंगी और उसको देख के वो जवाब देगा। तो ये पैराडाइम शिफ्ट है थोड़ा सा। अब मुझे नहीं पता कि अब वो सारी पॉसिबिलिटीज़ जो एक प्रोग्राम में होती है वो सब इसमें कैसे मिमिक होगी, लेकिन होगी, हो सकती है, ठीक है। जो इसका मेन जो ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने की जो पावर है ना, जस्ट वो मिसिंग थी ना, बाकी तो सब हो रहा था। ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने की पावर एक मिस थी, बाकी तो सब होता था पीछे। तो अब क्या होगा इसमें, ह्यूमन लैंग्वेज में बंदा बोले, पीछे वो प्रोग्रामिंग करके वो टास्क परफॉर्म कर दे, तो ये फोर्थ जनरेशन की डेफिनेशन में काइंड ऑफ दाखिल तो हो गए, ठीक है। लेकिन अभी आप अगर उसको लोगों की राय लेंगे ना, तो लोगों की डिस्कशन चल रही है इस बारे में इंटरनेट पे कि वो क्या वो फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये, तो उसका जवाब है नहीं, ये नहीं है, लेकिन हो सकता है, जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उसमें हो सकता है ये। तो अब ये मोबाइल फ़ोन का जो मैं जिक्र कर रहा था कि मोबाइल डिवाइसेस पे ना जो ऐप्स होती हैं, मोबाइल ऐप्स, वो जो मेरा पुराना वाला लेक्चर जो हमने ओरिएंटेशन में भी डिस्कस किया था कि यार ह्यूमन का जो बोलने का एक्सपीरियंस है ना और सुनने का एक्सपीरियंस है वो हज़ारों साल का, और लिखने पढ़ने का एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा नहीं है, 4-5 हज़ार साल पहले का, 100,000 ईयर और सिर्फ 5,000 ईयर में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो मोबाइल के प्रोसेसर तो बहुत तेज़ हो गए लेकिन मोबाइल स्लो है अभी भी, क्योंकि मोबाइल में हम इनपुट देने में स्लो हैं, टच करने में, स्वाइप करने में हम स्लो हैं। तो मोबाइल टेक्नोलॉजी को ना 20 साल हो गए, इसमें कोई इस तरह की जिद्दत आई नहीं है, पैराडाइम को शिफ्ट हुआ नहीं है, तो ये अब होगा। तो ये चैट जीपीटी ना मोबाइल फ़ोन को ख़त्म कर देगा। अच्छा, अब मोबाइल फ़ोन को ख़त्म कर देगा तो आएगा क्या, ये एक डिस्कशन है, क्या हो सकता है। मिसाल के तौर पे मेरा शुरू में शायद मैं ये सोच रहा था, जब मेरे पहली बार ये मेरे थॉट आया ना जहन में, तो मैंने ये सोचा कि शायद अब हेडफोन होगा एक, कि मैं जैसे एयरपॉड, अभी मैं क्या करता हूँ, जैसे मैं राइड करके आ रहा होता हूँ तो मोटरसाइकिल पे आप फ़ोन निकाल नहीं सकते, तो मैं मैप लगा के ना हेडफोन लगा लेता हूँ ये एयरपॉड्स के,
और चलाता रहता हूँ मज़े से। वो हर थोड़ी देर बोलती है कि भाई इन 300 मीटर टर्न राइट, इन राउंड अबाउट में सेकंड एग्जिट ले लो या थर्ड एग्जिट ले लो, ऐसे। तो मुझे पता, वो मुझे उसकी बात समझ आने लग गई है कि अच्छा थर्ड एग्जिट का मतलब क्या होता है, तो वो मैं इजीली समझ जाता हूँ उसको। अच्छा फिर उससे मैं बोलूँ ना करके, हे सीरी हाउ मच डिस्टेंस इज रिमेनिंग, तो वो भी बताती है कि व्हेन आई विल बी देयर, तो वो बताती है कि आप 5:31 पे, यू विल बी देयर एट 5:31। तो मैं भी देखता हूँ अच्छा अभी तो 5:20 हो रहे हैं, 10 मिनट लगेंगे मुझे। तो वो सारी बातें जो स्क्रीन पे आती है ना, मुझे बोल के बता रही होती है वो कान में, अगर मैं उससे पूछूँ सीधी से। तो मेरा ये पहला थॉट तो मेरे जहन में ये आया कि शायद एक हेडफोन होगा जो बहुत ही पावर एफिशिएंट होगा। पावर एफिशिएंसी तो आ गई है, 6-7 घंटे कंटिन्यूस वो, अगर मैंने उसको डब्बे से निकाला ना अगर, तो 6 घंटे कंटिन्यूस उसको वापस डब्बे में डालने की ज़रूरत नहीं होती, तो 6 घंटे बहुत होते हैं। अच्छा फिर 6 घंटे बाद मैं दूसरा निकाल के लगा लूँ अगर, तो 4 दफ़ा चार्ज कर देता है या 3 दफ़ा करता है वो, फुल चार्ज कर देता है डब्बे में डालने से। तो 2 दिन की कैपेसिटी है इसकी बैटरी कैपेसिटी ना, एयरपॉड अभी जो करंटली जो है, जो इवन चाइनीज़ कॉपी भी है उसकी भी 2 दिन की कैपेसिटी है, जो शाओमी के भी मेरे पास एयरबड्स हैं उसकी भी 2 दिन की कैपेसिटी है। वो एक दफ़ा चार्ज कर लो तो 2 दिन तक वो कंटिन्यूसली यूज़ करो, कुछ भी नहीं होता उसको। तो मेरा पहला थॉट ये था कि इस तरह का कोई हेडफोन होगा। अच्छा और उसमें कनेक्टिविटी जो होगी वो होगी ये वाली ई सिम वाली, क्योंकि अब तो आईफोन में आपको पता है वो सिम बिल्कुल ही ख़त्म कर दी उन्होंने, अंदर कुछ होता है उसके, बस आप एक दफ़ा स्कैन करते हैं तो वो हो जाता है। तो मुझे लगा कि शायद इस तरह का कोई होगा कि उसमें ई सिम लगी हुई होगी और वो कनेक्टेड होगा इंटरनेट से, डब्बे से वो चार्ज होगा, डब्बे से निकालो कान में लगा लो दैट्स इट, और जो सारे काम हम यहाँ पे टच एंड टाइप करके करते हैं ना वो सारे मैं बोल के करूँगा। लेकिन ये तो एक हो गई बात, मोबाइल फ़ोन में एक चीज़ और है कैमरा, उसका क्या होगा? नहीं लेंस तो नहीं, लेंस लेंस जो है ना वो कोई प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है, लेंस ना प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है कोई। वो जो अभी जो उसके अंदर डिस्प्ले भी लगा हुआ है ना, वो मैंने देखा है डिस्प्ले, वो ऐसे ही है बेकार डिस्प्ले, वो उसमें बस इन्फॉर्मेशन दिख जाती है दैट्स इट। ऐसा डिस्प्ले नहीं है वो, जैसे ये प्रोजेक्टर है ना ऐसा डिस्प्ले नहीं है वो, कि अगर आपने चश्मा लगाया हो तो आपको ऐसा दिखेगा। वो तो आधा ट्रांसपेरेंट है, वो कलर्स उसमें सही नहीं दिखते जैसे दिखने चाहिए एक्चुअल में, वो नहीं दिखते। अच्छा तो है ना, उन्हीं ग्लासेस की बात कर रहा हूँ। एक तो फिर कवर्ड, कम्प्लीटली कवर्ड ग्लासेस हैं जो VR, जो है AR VR सेट है फेसबुक का, जो ऑकुलस, वो भी मगर कोई प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है यार कि इतना बड़ा मैं हर वक्त लगा के घूमता रहूँ, है ना, वो तो रोबोट लगेगा बंदा, तो उसको सोशली मेरा ख्याल है एक्सेप्टेड नहीं है अभी वो सोशली। ग्लासेस तो फिर भी एक्सेप्टेड है। अच्छा हेडफोन एक्सेप्टेड है 100%, हर कोई लगा के घूम रहा होता है तो नॉट अ प्रॉब्लम। तो कैमरा कहाँ जाएगा? या तो कैमरा बिल्कुल ही माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, जिन लोगों को कैमरा रखना होगा वो अलग से हैंड हेल्ड कैमरा रखेंगे और फ़ोन अलग होगा कैमरा अलग हो जाएगा, मे बी ऐसा कुछ होगा। या फिर उसका जो डब्बा होगा ना, जो हमारा जो जिस डब्बे में चार्ज होगा ये हेडफोन, उस डब्बे में शायद छोटी सी स्क्रीन होगी और कैमरा होगा साथ में, क्योंकि कैमरे को तो स्क्रीन चाहिए ना, कैमरा तो बगैर स्क्रीन की नहीं चलता। हाँ नहीं, कॉल करने के लिए वो तो क्यों चाहिए, वो तो नाम बोलूँगा ना मैं। हाँ तो बोल के होगा ना, जो सारे काम टच से होते हैं वो सारे बोल के होंगे, सारी लैंग्वेज समझता है ना ये। बशीर भाई बोलोगे वो भी समझ जाएगा, आप उसको बोलोगे कि भाई हे ChatGPT सेव अ न्यू कॉन्टैक्ट, बोलेगा भाई नाम बताओ, आप बोलोगे बशीर भाई, बोलेगा नंबर बता दो, आप बोलोगे +92302-1122 जो भी नाम नंबर है, तो उसने सामने से रिपीट करना है, ठीक है ना, कि आपने सही बोला, तो बोलेगी हाँ भाई बशीर भाई और नंबर फला फला फला, इज़ दैट करेक्ट, यस हो गया सही बोल गया। नहीं ग्लासेस नहीं हो सकते, ग्लासेस असल में इसलिए नहीं हो सकते कि डिस्प्ले उसका इतना ठीक नहीं है, डिस्प्ले उसका बेकार है, फोटो खींचने वाला डिस्प्ले नहीं है उसका। तो लेकिन मोबाइल फ़ोन ख़त्म हो जाएंगे, इस बारे में तो मैं डैम श्योर हूँ कि मोबाइल फ़ोन को ये रिप्लेस करेगा, क्योंकि कोई भी टेक्नोलॉजी ना इतनी लंबी नहीं चलती जितनी लंबी ये चल रही है मोबाइल फ़ोन की टेक्नोलॉजी। इवन दो कि डेस्कटॉप कंप्यूटर आप देखें रिप्लेस हो गया लैपटॉप से और टैबलेट से, टैबलेट रिलेटिवली न्यू है, मोबाइल फ़ोन पुराना है, तो मे बी टैबलेट अपनी जगह रहे, लेकिन जो रोज़ डेली बेसिस पे जो कैरी करते हैं ना डिवाइस, दैट इज़ अ मोबाइल फ़ोन डिवाइस, तो इसका कुछ ना कुछ होने जा रहा है, ठीक है। अब वो क्या होगा, वो कौन सी डिवाइस होगी वो मुझे नहीं पता,
लेकिन कुछ होगा, कुछ होने जा रहा है, मे बी वो हाथ में बांधने वाली घड़ी जैसी कोई डिवाइस हो, जैसे आयरन मैन वाला को मंजन हो, ठीक है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि वो वॉइस बेस्ड हो, लेकिन मोबाइल फ़ोन का कुछ होने जा रहा है, ये मुझे शदीद अंदर से जो है ना वो आ रहा है कि मोबाइल फ़ोन को कुछ होने जा रहा है, ठीक है। अब शायद मेरी बात आपको बहुत अजीब लग रही हो, लेकिन जस्ट ये फर्स्ट थॉट है, मेरा थॉट है ये। नहीं नहीं 20 साल तो बहुत लंबी बात है, ये 5 साल की बात कर रहा हूँ, ये 5 साल में होने जा रहा है, ठीक है। तो नहीं नहीं वो तो नहीं, वो वाला दौर चला गया भाई कि पाकिस्तान में देर से होता था, वो इसलिए चला गया कि इंटरनेट की वजह से। देखो जिस दिन आईफोन लॉन्च होता है नया तो यहाँ आ जाता है ना अगले दिन, OLX पे देखो आप आ रहा होता है। जब PS5 अभी रिलीज़ हुआ था जो, तो PS5 जैसे अमेरिका में दौड़े लगी हुई थी वैसे यहाँ पे भी लगी हुई थी, लोग एक दूसरे छीना छपटी कर रहे थे कि यार PS5 हमें चाहिए, है ना। तो वो टाइम पुराना था जब वो मीडिया इतना फास्ट नहीं था, हम कनेक्टेड नहीं थे। अभी तो वर्ल्ड ग्लोबल विलेज है ना, तो जो उधर होगा वही यहाँ होगा एट द सेम टाइम, ठीक है। तो अब जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आई हैं, अब इलेक्ट्रिक व्हीकल के आने से जो ट्रेडिशनल व्हीकल है बिल्कुल ख़त्म तो नहीं होगी ना, वो आहिस्ता आहिस्ता रिप्लेस होगी, तो जाहिर है वो रिप्लेस होगा तो आहिस्ता आहिस्ता ही होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि इतने हज़ारों की तादाद में, हज़ारों नहीं बल्कि करोड़ों की तादाद में मोबाइल फ़ोन है पूरी दुनिया में, ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक दिन में वो कहीं छूमंतर गायब हो जाए, वो तो आहिस्ता आहिस्ता ही रिप्लेस होगा। लेकिन ये अगले 5 साल में कोई ऐसा मंजन मुझे अंदर से शदीद जो है ना वो एक है कि यार ये होने वाला है कुछ इस तरह का, ठीक है। वेल तो फर्स्ट थॉट है मेरा, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ये सही हो। अच्छा, ये जस्ट मेरा थॉट है, ये इंटरनेट पे कोई किसी ने इस तरह की कोई बात नहीं की, ये जस्ट मेरा पर्सनल थॉट है। तो मैंने ये बात निकलाई तो आप लोगों से शेयर कर दिया मैंने। वेल तो अच्छा, यहाँ तो बातें हो गई बहुत सारी हमारी, कुछ काम कर लेते हैं।